आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता लेंगे और बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। तो शुरुआत में इनकार हो रहा था, हालांकि कयास ही थे, आसार यही बन रहे थे, जो तस्वीर थी यही नजर आ रही थी कि बीजेपी के साथ जा सकते, लेकिन उस वक्त साफ तौर पर इनकार किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, बल्कि कुछ हमले भी बोले बीजेपी पर। लेकिन अब जो भी गुणा भाग गया हर किसी नेता का, हर किसी दल का, तो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह फायदेमंद हो सकता है। तो अब कह सकते हैं कि मायावती की अगर हम बात करें तो उनका एक ऐसा बड़ा नेता जो उनसे पहले दूर हुआ और अब उनके विरोधी दल में शामिल हो गया है, तो अब और ज्यादा दिलचस्प लड़ाई बनती जा रही है। तो जो पिछड़े तबके का वोट बैंक है उसे लुभाने की कोशिश होगी, और इसी कोशिश के तहत जो बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया था, तो उस वक्त भी यही देखा गया कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है। ऐसे में जब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य अब शामिल हुए हैं, हो रहे हैं बीजेपी में, तो इससे भी काफी ताकत बीजेपी को मिल सकती है। संतोष पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संतोष, शुरुआत में इनकार हुआ, लेकिन अब वही बात है जो लगातार समाचार प्रेस कह रहा था कि बीजेपी में जाने के आसार हैं, तो आज सदस्य बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के? देखिए बिल्कुल प्रीति, जैसे कि आपने दर्शकों को जानकारी दी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़ा था और ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उस समय क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य नए नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये सोचा गया कि आखिर दो मौर्य को किस तरह से पार्टी में एकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन अंततः बात बन गई। और इस बीच शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जिस तरह से लखनऊ में रैली की थी, उनको भी हकीकत समझ में आ गई कि जितना वो मोल भाव कर रहे थे बीजेपी से, बीजेपी उतना देने को तैयार नहीं थी, और अंततः दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। चलिए, तो संतोष काफी दिलचस्प कह सकते हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं इस बार के, क्योंकि ये जो आवागमन शुरू हुआ है अभी और तेज होगा। चलिए देखते हैं कौन पुराना कुनबा छोड़कर नए कुनबे में आता है। फिलहाल आज एक नया कुनबा जरूर ज्वाइन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के।